The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So calcium ka blood test kaise hota hai? Calcium ka blood test dekho, कैल्शियम ब्लड में गिना जाता है, ब्लड लेवल्स. कैल्शियम 99% ऑफ योर बॉडी कैल्शियम इज स्टोर्ड इन योर बोन्स. हमने ऑलरेडी बता चुके हैं आपको पहले. सो 99% कैल्शियम जो बोन में स्टोर्ड है उसको नहीं गिन रहे हम, सिर्फ गिन रहे कि खून में कितना कैल्शियम है. ब्लड टेस्ट कैन ओनली वैल्यू दैट. सो खून में अगर कैल्शियम की कमी है तो ये होता है कि आपका बोन से निकल के भी बोन कमजोर हो गई, तभी खून में कम आ गया है तो बोन कमजोर होगी. इट्स वेरी सिंपल. विटामिन डी भी कम होगा, वेरी सिंपल, बिकॉज या तो आप खा ही नहीं रहे हो कैल्शियम रिच कोई भी फूड, या एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा वो, राइट. सो देयर इज सम प्रॉब्लम, राइट. सो कैल्शियम चेक होता है और कैल्शियम जो है उसमें से आधा जो बोन जो ब्लड में कैल्शियम है उसमें से आधा जो कैल्शियम है वो अल्ब्यूमिन से अटैच होता है. प्रोटीन होता है ब्लड के अंदर, अल्ब्यूमिन उससे अटैच होता है. सो ये हम जो चेक करते हैं वो टोटल उसमें जो टोटल कैल्शियम चाहिए, सेपरेट टेस्ट चाहिए होता है जिसको हम देख सकते हैं. जो कैल्शियम का जो नहीं अटैच है प्रोटीन से उसको देखते हैं, उसको कहते हैं आयोनाइज्ड या फ्री कैल्शियम. एक टोटल कैल्शियम देखा जाता है वो अलग है, आयोनाइज्ड या फ्री कैल्शियम होता है अलग. और कैल्शियम कभी कभी यूरिन में भी चेक होता है, यूरिन कैल्शियम भी देख सकते हैं. ऑब्वियसली कैल्शियम को अगर आप कोई दवा ले रहे हो, मान लो टेस्ट कराना है और कैल्शियम ले रहे हो साथ में, या वाइटामिन डी ले रहे हो, या लिथियम ले रहे हो, या कोई ऐसी वाटर वाली पिल ले रहे हो, थायरॉक्सिन ले रहे हो, तो आइडियली उसको बंद करके, या एंटासिड ले रहे हो, को कैल्शियम सॉल्ट ले रहे हैं तो वो भी कैल्शियम है. तो कैल्शियम ले के फिर टेस्ट कराओगे तो कैल्शियम बोन में खून में आ जाएगा, बाहर से आ गया. तो कैल्शियम की गोली या खाते हुए टेस्ट कराओगे तो वो नॉर्मल आ सकता है. दैट डज नॉट मीन कि आपकी बॉडी में उतना कैल्शियम है. सो इसलिए कई बार डॉक्टर कहते हैं कुछ दिन के लिए रोको फिर कराओ, राइट. या फिर दो चार, अगर आप 2 लीटर दूध पीते हो, बहुत ज़्यादा दूध रोज पीते हो तो भी, विटामिन डी बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो भी आपका ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है. दैट इज़ वन थिंग, बट दैट इज नॉट अ बिग डील. थोड़ा सा बड़े में कोई मेजर इशू नहीं है. टेस्ट आपका किया जाएगा. नॉर्मल रेंजेस कैल्शियम के क्या होते हैं? नॉर्मल रेंज है 8.5 से लेके 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. इसको अगर मिली मोल में लेंगे तो 2.13 से लेके 2.55 मिली मोल पर लीटर में जाएगा, राइट. और ये नॉर्मल वैल्यूज हर एक लैब में अलग अलग होती है, तो अपने लैब की नॉर्मल वैल्यू वाले रेंज को देख लेना, उसमें देखना मेरा नॉर्मल से हाई है, लो है, क्या नहीं है, और फिर देखना विटामिन डी लेवल ज़्यादा है, कम है, क्या नहीं है, और फिर अपने डॉक्टर से डिस्कस करना भी मुझे क्या ज़रूरत है. अगर आपका हाई है कैल्शियम तो हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो. जैसे अगर आप बहुत टाइम तक बेड रेस्ट पे हो तो मसल्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा, नसों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उसमें कैल्शियम यूज़ नहीं हो रहा. मेन याद है कैल्शियम यूज़ हो रहा हर चीज़ में, तो यूज़ नहीं हो रहा तो कैल्शियम एक्युमुलेट हो सकता है, वन थिंग. या आप बहुत ज़्यादा दूध, बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम खा रहे हो, सुबह दोपहर शाम कैल्शियम, वाइटामिन डी बहुत ज़्यादा खा रहे हो, दैट इज़ वन थिंग, उससे बढ़ सकता है. फिर पैराथायरॉयडिज्म, पैराथायरॉयड ग्लैंड है जिसके वजह से जो ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो वो आपका कैल्शियम लेवल बढ़ा सकता है, राइट. अगर आप पैराथायरॉयड ग्लैंड ज़्यादा बन जाए, पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा बन जाए, ये ज़्यादातर विटामिन डी लो होता है तो उसके साथ एसोसिएटेड होता है. विटामिन डी ज़्यादा लो होता है तो पैराथायरॉयड का हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होता है ताकि आपकी बोन से कैल्शियम निकले, बोन से कैल्शियम निकले, पर बोन्स वीक हो जाएंगी फिर, है कि नहीं. सो एवरीथिंग एज अ सिस्टम इन योर बॉडी, बट देन देयर इज दिस सिस्टम. सिस्टम है तो है, समझना तो पड़ेगा. और इन्फेक्शंस में भी कैल्शियम लेवल बढ़ सकता है. जैसे मान लो कोई क्रोनिक इन्फेक्शन है, ग्रैनुलोमास, ट्यूबरकुलोसिस, या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन, माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो कैल्शियम लेवल बढ़ सकता है. कुछ तरीके के ट्यूमर्स में कैल्शियम लेवल बढ़ सकता है, टी सेल लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, बोन सेल, बोन ट्यूमर्स, राइट, इसमें. या थायराइड, हाइपर थायराइड हो तो भी कैल्शियम बढ़ सकता है. और सार्कोइडोसिस टाइप की कोई क्रोनिक बीमारी हो उसमें भी, राइट. और कुछ दवाइयों से, जैसे मैंने बताया था, जैसे बॉडी बिल्डर्स लेते हैं अपनी टेमोक्सिफिन उल्टी सी दवाई लेते हैं, या फिर पेशाब ज़्यादा आने वाली थायजाइड डायूरेटिक्स, या फिर लिथियम जैसी दवाओं से कैल्शियम लेवल बढ़ सकता है. अब बढ़ सकता है तो बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है. कम क्यों होगा? कम होगा तो बहुत सिंपल है, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, आप कैल्शियम खा रही नहीं, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सबसे कॉमन, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक रीज़न. सेकंड,
हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। जब पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा होने से बढ़ सकता है तो पैराथायरॉयड कम होने से कम भी हो सकता है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस केस में, और किडनी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि किडनी आपके विटामिन डी को एक्टिव करती है, तो विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो किडनी फेलियर होगा तो विटामिन डी एक्टिव नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कैल्शियम लो हो जाएगा। सिंपल, समझ आई? किडनी से कैल्शियम लो हो सकता है, तो किडनी वाले पेशेंट को कैल्शियम खाना पड़ता है ज़्यादा, राइट? क्योंकि विटामिन डी कम होगा तो ज़्यादा कम एब्जॉर्ब करेगा, तो उनको डाइट में ज़्यादा चाहिए तो उनके मोशन से निकलता जाएगा, लेकिन फिर भी खाना पड़ेगा, राइट? और अल्ब्यूमिन कम होगा, मान लो प्रोटीन ही कम है, तो टोटल अल्ब्यूमिन जिसको जो कैल्शियम से हाथ में हाथ धर के चलाता है, चलो बेटा चलो ब्लड में घूमेंगे, राइट, वो ही नहीं है, दोस्त ही नहीं है उसका, तो वो किसका हाथ पकड़ेगा? तो वो निकल जाता है, तो फिर वो नहीं रह सकता, तो फिर वो कम हो जाएगा। सेम थिंग होती है लिवर डिजीज़ में, लिवर की बीमारी होती है तो अल्ब्यूमिन कम बनता है, अल्ब्यूमिन कम हो जाता है, प्रोटीन कम हो जाता है, तो आपका कैल्शियम कम हो जाता है। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी में भी कैल्शियम डेफिशिएंसी आ सकती है, दोनों साथ में हो सकते हैं, मेनी टाइम्स दैट हैपन्स। पैनक्रियाटाइटिस अपने आप में एक चीज़ है जिससे हम कई बार एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम आ जाता है पैनक्रियास की बीमारी में, सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू कैल्शियम डेफिशिएंसी। एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी में तो कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी भी, आपको पता ही है विटामिन डी बहुत जोरदार चीज़ है, तो इन सब कारणों से आपका ये टेस्ट में गड़बड़ी आ सकती है। बट टेस्ट है, ब्लड निकलेगा तो थोड़ा सा रिस्क, वही वाला रिस्क जो सब ब्लड टेस्ट में होता है, खून बह सकता है, सुई चुभ सकती है, वहाँ पे काला काला आ सकता है, हिमेटोमा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, वेरी सिंपल। कई बार अगर फालतू का लेने वाला पर्सन सही नहीं हुआ, वो दो तीन बार टोचेगा, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, सो वो अलग चीज़ है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, और एल्स टेस्ट का कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है। सो ये हुई बात सारी आपकी ब्लड टेस्ट की, कैल्शियम के। कोई भी सवाल है ज़रूर लिखिए, थैंक यू सो मच, और बताइए, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।